नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण मंडल मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम सितंबर मंथ का क्यूटीडी पार्ट 3 करेंगे। इसमें देखेंगे हम चार ज्योमेट्री क्वेश्चंस। जो चारों क्वेश्चंस हैं ये सीजीएल 2017 में आए थे, ठीक। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि जो मैंने पीपीटी की फाइल बना रखी है इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। डाउनलोड करके आप खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक। और डाउनलोड करने का दूसरा फायदा यह है कि अगर अगर आपको क्वेश्चन क्लियरली नहीं दिख रहे हो, जैसे मान लो ये आप क्लियरली नहीं दिख रहा है, तो डाउनलोड करने के बाद आपको क्लियरली दिख जाएगा, फिर इसको सॉल्यूशन आप इजीली देख सकते हैं जो मैं करने वाला हूँ, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वार्टर सर्कल इन सच अ वे दैट टू ऑफ इट्स एडजेसेंट वर्टिसेस ऑन द रेडियस आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर एंड अदर टू वर्टिसेस लाई ऑन द सर्कमफेरेंस। द साइड ऑफ स्क्वायर इज रूट 5/2 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द रेडियस इन सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। एक सर्कल बना दे पहले, ठीक है। सर्कल में क्वार्टर सर्कल है ये, और क्वार्टर सर्कल में इसे ई मानते हैं, ई और ओ इसे एफ मान लेते हैं। ई ओ हमारा रेडियस है, ओ एफ हमारा रेडियस है, ठीक है। हमारा रेडियस हो गया, ठीक। इसमें उन्होंने कहा कि एक हमारा स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है। स्क्वायर का जो दो साइड्स है, मीन्स हमारा ए और बी दो वर्टिसेज है, ए और बी वर्टिसेज जो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर है, मीन्स ए ओ इक्वल टू ओ भी, ठीक है। इसे एक्स मान लेते हैं, तो ये एक्स हो गया और ये एक्स हो गया, ठीक है। ये सी हो गया और डी हो गया, ठीक है। और इन दो क्या बोलते हैं डायगनल को मिला लो, दोनों डायगनल 90 डिग्री पे कटेंगे, ठीक है। थोड़ा क्लियरली ढंग से नहीं बना रखा है, लेकिन 90 डिग्री पे कटेंगे, ठीक। और दोनों डायगनल मानते हैं एम पी मीट कर रहा है, ठीक। ब्लू पेन से कर लेते हैं, ठीक। एम पी मीट कर रहा है तो हमें दे रखा ए बी की वैल्यू कितनी रखी है, रूट 5/2, ठीक है। तो अब ए ओ और ओ बी निकाल सकते हो कैसे, क्योंकि ओ ए इक्वल टू ओ बी एक्स है। तो ट्रायंगल ए ओ बी में देखिए, लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ए बी स्क्वायर कितना होगा, 5/2 इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर, मीन्स एक्स इक्वल टू रूट 5/2 आ जाएगा, ठीक है। एक्स इक्वल क्या आएगा, रूट 5/2। अब देखिए ये 90 डिग्री है, यहाँ ये जो ये वैल्यू 90 डिग्री है, ये वाला एंगल कितना है, 45 है, और ये एंगल 45 है, क्योंकि हमारे स्क्वायर में जो डायगनल होते हैं वो एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, तो जो ये वाला एंगल आएगा 45 होगा, ठीक है। मीन्स हमारा ये जो पूरा एंगल है, एंगल एम एम लिखना था मुझे, एंगल एम बी ओ 90 डिग्री हो गया, ठीक है। वैसे ही एंगल बी ओ ए 90 डिग्री है, ठीक है। ये 45 है, ये भी 45 है, क्योंकि बाइसेक्ट करता है डायगोनल, तो एंगल ओ ए एम 90 डिग्री है, और ये तो 90 डिग्री है ही, ठीक है। 90 डिग्री पर डायगोनल मीट करते हैं, मीन्स एंगल ए एम बी 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ए एम बी ओ ये हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर क्यों है, चारों 90 डिग्री हो गए, मीन्स रेक्टेंगुलर स्क्वायर में से एक होगा, इस पर दो एडजेसेंट साइड हमारे बराबर है, तो ये स्क्वायर हो गया, मीन्स ये दोनों एक्स हो गए, तो ये दोनों भी एक्स होंगे, ठीक है, ओके। और हमारा डायगोनल बाइसेक्ट करता है, मीन्स स्क्वायर रूट एक्स हो गया, डीएम इक्वल टू एक्स हो जाएगा, मीन्स डीएम डीएम इक्वल टू एम बी इक्वल टू एक्स, जो कि ओ बी के बराबर है, ठीक है। तो ट्राइंगल ओ बी डी देखिए, बनाया नहीं मैंने, बना लेते हैं ट्राइंगल ओ बी डी, देखिए ट्राइंगल ओ बी डी में ओ बी क्या है, एक्स है, ठीक है। बी डी क्या है, टू एक्स है, हमें एक्स की वैल्यू पता है, तो हम ओ डी निकाल सकते हैं, ओ डी क्या हमारा रेडियस है, ओ डी हमारा रेडियस है, हम ओ डी को निकालते हैं, तो ओ डी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी, मीन्स ओ डी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर इक्वल टू फाइव एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर हमारा कितना है, 5/4, मीन्स 5 × 5/4, ठीक है। मीन्स ओ डी इक्वल टू रूट 25/4 इक्वल टू 5/2 हमारा आंसर, 5.2 मीन्स 2.5 हमारा आंसर आ गया, ठीक है।
दोस्तों मैंने बहुत आराम से समझाया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर पी आर एंड एस टी आर परपेंडिकुलर टू टेंजेंट क्यू आर, पी क्यू पासिस थ्रू सेंटर ओ ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर, इफ पी आर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ एस टी। ठीक है, अगर आपने मैं सिमिलर ट्रायंगल वीडियो देखा होगा तो उससे आप समझ गए होंगे, अगर 90 डिग्री है ठीक है उससे आप क्या समझे होंगे, 90 डिग्री है तो मीन्स एस टी पैरेलल ओ एम पैरेलल पी आर है। इसका मतलब ये होगा ट्रायंगल पी आर क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल ओ एम क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल एस टी क्यू। ठीक है, इतना सिमिलर हुए, इसका मतलब क्या हुआ कि पी आर पी आर इज टू ओ एम इज टू एस टी इज इक्वल टू पी क्यू इज टू ओ क्यू इज टू एस क्यू। ठीक है, मिलकर आपको क्यू दिख रहा होगा, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो राइट से कर लेते हैं, यहाँ पे क्यू हो गया है। ठीक, पी आर इज टू पी आर इज टू ओ एम इज टू एस टी इक्वल टू पी क्यू पूरा इज टू ओ क्यू इज टू एस क्यू, ये दोनों पैरेलल होंगे सॉरी सिमिलर होंगे तो इस रेशियो बढ़ जाएंगे। ठीक है, हमें यहाँ पर पी आर पता है 9 और हमें ओ एम पता है 10, ओ एम 10 इक्वल रेडियस है, पी ओ भी 10 हो गया और ओ एस भी 10 हो गया, एस क्यू को हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए पी आर अपन ओ एम इक्वल टू पी क्यू अपन ओ क्यू। पी आर कितना है, पी आर 10 है, ओ एम कितना है सॉरी पी आर कितना है 9 है। ठीक है, और सॉरी मैं गलती, डायमीटर 10 था तो ये 5 आएगा, ये 5 आएगा और ये 5 आएगा। ठीक है, तो 9 अपन 5 इक्वल टू पी क्यू कितना है, पी क्यू क्या है 10 प्लस एक्स। ठीक है, और ओ क्यू कितना है 5 प्लस एक्स। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, 45 प्लस 5 में 45 होगा प्लस 9x इक्वल टू 50 प्लस 5x इक्वल टू 4x इक्वल टू 5 मीन्स x इक्वल टू 5/4, x पर कितना है 5/4। अब हमें पता है ओ एम अपॉन एस टी इक्वल टू ओ क्यू अपॉन एस क्यू, ओ एम कितना है ओ एम 5 है, एस टी हमें निकालना है, ओ क्यू कितना है ओ क्यू की वैल्यू निकाल लिए 5 प्लस एक्स मीन्स 5 प्लस 5/4। ठीक है, एस क्यू मीन्स 5/4, तो सॉल्व करिए तो 25/4/5/4, तो 4 से 4 कट गया 5 5 25 आ गया। ठीक है, मीन्स एस टी इक्वल टू 5/5 इक्वल टू 1 हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है, लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ था समझने के लिए। ठीक, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स के ऊपर डिपेंड था तो इजीली सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन सच दैट ए बी इज टेंजेंट टू अ सर्कल एट ए हुज रेडियस 10 सेंटीमीटर। इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो ओ पे ओ से ए मिला लेते हैं। ठीक है, तो ये 10 हो जाएगा। ठीक, अब कह रहे हैं ये 90 डिग्री होगा क्योंकि ये क्या है टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट हो गया। ठीक है, तो ओ ए क्या हो गया परपेंडिकुलर टू ए बी 90 डिग्री, रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड बी सी पासिस थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, बी सी उसे पास कर गया, पॉइंट सी लाइज ऑन द सर्कल, बी सी इक्वल 36, बी सी इक्वल पूरी वैल्यू कितनी है 36 और ओ बी ए बी इक्वल पूरी वैल्यू कितनी होगी 24। एंड व्हाट द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, हम ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालना है। ठीक, ओ सी की वैल्यू कितनी है 20, ओ सी की वैल्यू होगी 10। ठीक है, ओ सी की वैल्यू 10 है, बी सी की वैल्यू कितनी 36 है, इसके मतलब बी ओ की वैल्यू कितनी हो गई 36 माइनस 10 इक्वल 26। ठीक है, तो अब ट्रायंगल ओ ए बी देखिए, देख रहे हैं ट्रायंगल ओ बी में जो साइन बी देखिए, साइन बी इक्वल टू 10 अपॉन 26 होगा मीन्स 5/13। ठीक है, तो इसको ये रहने देते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, इक्वल टू हाफ इंटू ओबी, सॉरी हाफ इंटू एबी इंटू बीसी इंटू साइन बी, ठीक है। इस हाफ एबी कितना हुआ, एबी 24, बीसी कितना हुआ 36, और साइन बी कितना हुआ 10/26, मैं 10 रख रहा हूँ अभी, हाँ इसे, तो दो बार बार में जाएगा, ठीक है, और इसे काटते हैं 18, और ये जाएगा 13, ठीक है, तो 18 गुना 12 गुना 10 मीन्स 2160 अपन 13, ये हमारा एरिया होगा, मीन्स 13 एकम 13 बचा 8, 8 और 6 तो 13 6 78, फिर से बचा 8 और 0 13 6 78 2 0 13 एकम 13 7 और 0 13 5 62 मीन्स 166.15 हमारा आंसर होगा, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, दोस्तों एक क्वेश्चन देखने में बहुत टफ लग रहा है पर है बहुत इजी, ठीक। अब देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके मैं लास्ट क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर अ स्मॉलर सर्कल टचेस अ लार्जर सर्कल एट पी एंड पासेस थ्रू इट्स सेंटर, पी आर इज अ क्वार्टर ऑफ लेंथ 34 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी एस, ठीक है। हमें पी आर बता रखा है 34, हमें पी एस निकालना है कितना है, ठीक है, और ओ सेंटर से पास हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ओ क्यू इक्वल टू ओ पी, ओ क्यू इक्वल टू ओ पी, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक चीज बता दूं, कॉन्सेप्ट मानो दो सर्कल, कोई भी दो सर्कल है, ठीक है, और इसके अंदर दो टच कर रहे हैं, इसके बाद कोई भी दो कॉर्ड है, मान लो एक कॉर्ड ये गया एक कॉर्ड ये गया, ठीक है, ये जो ये दो पॉइंट्स हैं तो इनको मिला लो, पॉइंट लेते हैं ए बी सी डी ई, ठीक है, अगर आप डी ए को मिला लो वैसे ही ए बी को मिला लो, ठीक है, तो इसमें एक प्रॉपर्टी है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल टी ई सी, ठीक है, कॉन्सेप्ट आप याद कर लीजिए, वैसे ड्राइव करने जाऊंगा टाइम लग जाएगा, ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट याद कर लेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए इंद्र को मिला लो, आर क्यू को मिला लो और एसओ को मिला लो, ठीक है, इंद्र को मिला लोगे तो ट्रायंगल आर क्यू पी सिमिलर टू ट्रायंगल एस ओ पी, हमें यहाँ पे क्या क्या पता है, पी आर पता है, ओ क्यू पता है, ठीक है, ओ क्यू पता है और पी क्यू ही पता है, पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू इक्वल टू डबल ऑफ ओ पी, है ना, क्योंकि ओ क्यू इक्वल टू ओ पी है, ठीक है, तो इनका यूज करते हैं, हमें पी आर पता है तो पी आर लिख लो अपॉन पी आर, हमें लिख लिया, फिर हमें पी क्यू ही पता है डबल ऑफ ओ पी तो पी क्यू भी लिख लो, इक्वल टू पी आर का मतलब यहाँ पे एस पी लिखेंगे पी एस, ठीक है, और हमने पी को लिया था तो यहाँ पे हम कह लेंगे ओ पी, ठीक है। पी आर की वैल्यू कितनी है 34, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू जो 2 ए पी, पी एस की वैल्यू कितनी है पता नहीं, ओ पी की वैल्यू कितनी है ओ पी, ओ पी से ओ पी कट गया, ठीक है, तो पी एस इक्वल टू 17 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। देखिए ये दोनों बराबर थे तो ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, पी ओ और ओ पी बराबर थे तो पी एस और एस आर भी बराबर होंगे, मीन्स दोनों 17 17 हो जाएंगे, तो आंसर कितना हो गया हमारा 17, ठीक है। हमें इतना सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, हमने यहीं पे देख लेते तो आपको जल्दी से आपका सॉल्व हो जाता, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, अगर आपको उससे वीडियो पसंद आई है कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, और दोस्तों बस अभी इतना ही, बाय दोस्तों एंड हैव अ नाइस डे।